आज हम बनाने वाले हैं मशरूम दो प्याजा। तो उसके लिए हमने क्या क्या सामान लिया है वो आपको बताते हैं। हमने मशरूम ली है 1 पैकेट। उसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्ची, 1 अदरक का टुकड़ा, 1 इंच इसका हम पेस्ट बनाएंगे। 8-10 काजू लिए हैं जो मैंने भिगो के रखे हैं, इन्हीं को भी पेस्ट में ही डालेंगे। 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं, 1/2 छोटी चम्मच लाल हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, कसूरी मेथी 1 चम्मच, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया क्रश करके डालेंगे, और ये गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच, 1 बड़ी प्याज जो मैंने चॉप की हुई है, और 1 बड़ी प्याज जो जिसको मैंने डाइस कट किया हुआ है, और 2 से 3 चम्मच मैंने मलाई ली है, और ये तड़के के लिए खड़े मसाले लिए हैं, जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता, और कुछ ऑयल लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशरूम को धुलेंगे। 1 बाउल में मैंने पानी ले लिया है, इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल दूंगी और इसमें मैं मशरूम डाल दूंगी। तो सभी मशरूम को मैं अच्छे से रब करके धुल लूंगी। नमक से इसकी सारी गंदगी निकल जाएगी और जो इसके ऊपर ये लेयर है ये भी निकल जाएगी। इसको अच्छे से रगड़ के धुलेंगे। इस तरीके से सारे मशरूम को हाथ से रब करना है, इसकी पतली पतली जो स्किन होती है वो निकल जाएगी और कोई भी गंदा है तो साफ हो जाएगा। तो इनको निकाल के हम पानी से निकाल लेंगे। तो ये मशरूम को हम कट कर लेंगे, तो इसका ऊपर का पार्ट है इसको थोड़ा सा इस तरीके से कट करेंगे, और आपको अगर 4 पीस करने तो 4 पीस भी कर सकते हैं, नहीं इस तरीके से आप कट कर सकते हैं इसको। वैसे हम सारी मशरूम कट कर लेंगे, यहाँ से काटेंगे और इस तरीके से इसके पीसेस कर लेंगे। मशरूम हमने कट कर लिए सारी, अभी इनको हम बॉईल करेंगे ताकि इसकी स्मेल है जो वो निकल जाए मशरूम की। एक मैंने पैन में पानी रख दिया है, तो इनको हम बॉईल कर लेंगे हल्का हल्का 2-3 मिनट के लिए कम से कम, ज़्यादा भी नहीं बॉईल करना है, तुरंत मैसी हो जाते हैं ये। इसको मैं ढक दूंगी, 2-3 मिनट के लिए बॉईल करके इनको निकाल लेंगे। तो 2-3 मिनट हो गए मशरूम हमारी बॉईल हो गई, तो इनको हम निकाल लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। तो अभी इसमें हम 2-3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जो मैंने डाइस कट प्याज ली हैं उनको हम हल्का हल्का सौते कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा सोते करना, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, और निकाल लेंगे फिर इनको हम। तो अभी इनको हम निकाल लेंगे, थोड़ा ही सॉफ्ट करना है, कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना है इनका। इसी में हम थोड़ी थोड़ी मशरूम फ्राई कर लेंगे। एक से 1.5 मिनट हमने मशरूम फ्राई की, अभी इनको भी निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम अपनी सब्जी बना लेंगे। तो इसमें ऑयल थोड़ा सा और डालेंगे हल्का सा, बस। तो इसमें हम अपने खड़े मसाले डाल देंगे, दालचीनी, जीरा और तेज़पत्ता, और इसका जो हमने मोटी इलायची ली है बड़ी इलायची, हल्का सा इसका मुंह खोल के फिर डालेंगे, और इनको हम फ्राई कर लेंगे। जीरा हमारा चटक गया है तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो अभी इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर, इन सभी को लो मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे 1/2 मिनट के लिए, 30 सेकेंड। अभी मसाला भून गया है, इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर, हरी मिर्ची, काजू और अदरक। काजू इसमें ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहो तब भी चलेगा। और इसको अच्छे से भूनेंगे।
तो इसमें अभी हम नमक डालेंगे ताकि अच्छे से टमाटर और मसाले पक जाएं। 1 से 1.5 छोटी चम्मच इनको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, तब तक तेल नहीं छोड़ेगा मसाला, तब तक इसको पकाएंगे अच्छे से। यहाँ पे टमाटर और जब डाल दें तो अच्छे से पकाना है, कच्चा नहीं रखना है, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, पूरी तरीके से नहीं पक पाएगा। तो अभी 5-6 मिनट हो गए, मसाला पक गया है हमारा। अब इसमें हम गरम मसाला और कुछ कसूरी मेथी रख लेंगे, कुछ इसमें ऐड कर देंगे हम, और इसमें इसको मिक्स कर देंगे। 1-2 मिनट के बाद इसमें हम मशरूम ऐड कर देंगे। तो अभी इसमें हम मशरूम ऐड कर देंगे, और इसमें अब इसमें थोड़ा हम पानी डालेंगे, 1 कप के लगभग, ज़्यादा पतला तो नहीं करेंगे क्योंकि दो प्याजा गाढ़ा ही होता है इसकी ग्रेवी। तो इसमें 1 कप के लगभग पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम इसको, और इसको ढक के 5 मिनट के लिए हम पकने देंगे बस। इसको ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट इसको हम पकने देंगे। 5 मिनट हो गए, सब्जी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी तो अच्छे से पक के तैयार हो गई है। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे, और इसको मिक्स कर देंगे, और जो मैंने मलाई ली है वो भी ऐड कर दूंगी, फ्लेम मीडियम रखूंगी, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, कंटिन्यू चलाना है। तो 2 मिनट के लिए और पकने देंगे इसको, प्याज को। तो सब्जी चेक कर लेंगे, तो ये देखिए सब्जी कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है, एकदम परफेक्ट। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, अभी इसमें हम इसको नीचे उतार लेंगे, और धनिया और कसूरी मेथी का तड़का लगाएंगे, उससे और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। तो मैंने तड़का पैन रख दिया है, इसमें 1 चम्मच ऑयल डालूंगी मैं, और इसमें मैंने धनिया जो लिया था उसको क्रश करके इसमें डाल दूंगी। तेल गरम हो चुका है, इसमें धनिया डाल देंगे, और जो कसूरी मेथी ली है ये भी डाल देंगे। इसमें कसूरी मेथी डाल के और इसको गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, तब इसको इस जलेगा। पे डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट हो जाएगा। कसूरी मेथी डालने के बाद आप गैस का फ्लेम तुरंत ऑफ कर दें ताकि कसूरी मेथी जले ना। तो अभी हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे, तो ये देखिए हमारी मशरूम दुप्याजा बनके एकदम तैयार है। तो ये देखिए मशरूम दुप्याजा बनके एकदम तैयार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।